धान लगाल 25 दिन हो जाए है दीदी, अब कीड़ा लग जाए है, उकर में पतई भी छेदा छेदा हो जाए है और उकर जड़ में भी कीड़ा लग जाए है, आप का करब से हमके तो समझ में नहीं आवत है। दीदी इकर तो बेस उपाय हो, निमाश्रम बनाबे तो बेस हो तो। दीदी एक एकड़ में लगाए ले इनिम कर पतई लागो 10 किलो। दीदी ई गरु कर मूत्र लागो 10 लीटर। ई गोबर लागो 2 किलो। ई 200 लीटर पानी लागो। दीदी 10 किलो नीम कर पतई है से के अब इकर में डालबे और कुटबे। दीदी देख 10 किलो नीम कर पतई के कुटली। अरे दीदी नीम कर पतई 10 किलो हो सके कोई ठियो आबे ड्राम कर पानी में डालबो। दीदी अरे गरु कर मूत्र हो सके डालबो 10 लीटर। दीदी अरे 2 किलो गोबर हो सके यहाँ डाल थी। दीदी इवन कर आप सबको तो डाली अब के खूब मिला दियो साइड से, इधर से भी घुमा देना साइड से और बाएं साइड से भी घुमा। दीदी अभी नीम अस्त्रम तैयार हो गए लो? नहीं दीदी के 2 दिन रखबे और 1 दिन 2 बार चलाबे सांझ और बिहान 2 बार चलाबे और छहर में रखबे और सूती कपड़ा से ढक के रखबे। दीदी आप तो 2 दिन हो गए लो तो ये नीम आश्रम तैयार हो गए लो? हाँ दीदी आप तैयार हो गए के छान भाई। दीदी नीम आश्रम तो तैयार हो गए लो, आप तो कखन कखन छिड़काबो? आलू धान भाटा इस समय छिड़काव करबे, सांझ के छिड़काव करबे, सांझ के करबे भले बढ़िया हो तो कीड़ा मने सब आवे ना, नी सांझ के निकले ना रोड पर तो घुस जाए ना। अब सीख गेली सबके बताब, हमार समूह में भी बताब और अगल बगल गांव में भी बताब, तो इकर ले तो के जोहार करत। जोहार दीदी। नीमा अस्त्र एक ऐसा जैविक कीटनाशक है जो हमारे फसल को अनेक प्रकार के कीड़ों के प्रकोप से बचाता है और इसको बनाने में कोई खर्च भी नहीं होता।